आ रही हैं। गिव इट अप फॉर द वेरी जी लेडीज एंड जेंटलमैन तालियां बजती रहनी चाहिए देखिए वेलकम मैम और अब जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूं उनके नाम के साथ खट्टी मीठी बड़ा सही तरीके से जाता है वी ऑल लव वी ऑल लव हर इन जो भी कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है और वो आपके चेहरे की स्माइल बता रही है मैं बुलाने जा रहा हूं नीना गुप्ता जी को ले गॉर्जियस नीना गुप्ता वेलकम मैम थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग दी ओकेजन यहां पे इससे बड़ा सेलिब्रेशन मुझे नहीं लगता फ्रेंडशिप का कुछ हो सकता है वॉट वील डू इज वील है क्विक फोटो ऑप एंड फिर Uh, आगे बढ़ाते हैं शाम कोस अनदर कास्ट मेंबर अ सुपर बैक्टर परेनीति कुड नॉट बी हियर बिकॉज शी इज स्लाइटली अंडर द वेदर Though she wanted to be here, but she sent her best wishes for Team Uchai, of course. So thank you so much. Would request the producers to kindly be seated. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir.

we'll just set, uh, fix that. हमको यहाँ देखना है कि हम क्या देख रहे हैं। <laughs> जी uh, अभी ठीक है। अभी ठीक है सर। सर वेलकम एंड सो गुड टू सी यू एक बार फिर से ऐसे। बहुत सारी बहुत-बहुत बनिवाड़ बहुत-बहुत बनिवाड़ आप सभी का और uh, आज की मीडिया से मैं अक्षमाय uh, प्राप्ति हूँ। uh, जब से कोविड हुआ है दो-तीन बार हो चुका है मुझे इसलिए

और आगे सर किस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं कृपा रही है माँ बाबू जी का स्नेह प्यार रहा है देश की जनता का स्नेह प्यार रहा है इससे ज्यादा उन्हें तो क्या हम कर सकते हैं और जहां कहीं भी इनके आशीर्वाद से हम हैं उनको हम अपना आभार प्रकट करते हैं धन्यवाद देते हैं चरण स्पर्श करते हैं अमेजिंग सर अमेजिंग यहाँ पे दोस्ती की बात हो रही है फ्रेंडशिप की बात हो रही है तो आपके दोस्तों से भी बात कर ली जाए अनुपम सर आई गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू आई डेफिनेटली आस्क यू कि हाउ वाज इट वर्किंग विद दिस स्टेलर कास्ट लेकिन उससे पहले सर मुझे पता लगा यू लिटरली किडनेप्ड बमन ईरानी साहब फॉर द शूट ऑफ दिस फिल्म क्लैपो बॉय आपने प्ले किया है सर मतलब बहुत मेहनत की गई है प्लीज थोड़ा सा उसके बारे में बताइए <laughs> पहली बात तो ये मेरा फिल्मी जन्म जो है वो राजश्री प्रोडक्शंस में हुआ है wow. मेरी पहली फिल्म जो Uh, जो महावीर जी आपने कर पाए मैंने कर लिया 1984 में uh, सारांश में मुझे मेरा फिल्मी करियर आई ओ माय करियर सक्सेस अप्स एंड डाउन्स टू राजश्री फिल्म्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल दे गेव मी कैरेक्टर ऑफ बीवी प्रधान और वैसा बनने के लिए मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी एंड सूरज वॉज एन असिस्टेंट ऑन दैट सेट ही वॉज द लास्ट असिस्टेंट ऑन दैट सेट ही वॉज़ फिफ्थ असिस्टेंट और ये प्रोड्यूसर के पुत्र थे और इनको कोई काम नहीं दे रहा था तो और मैं आ, मेरी पहली फिल्म थी तो मुझे लगा ये बंदा जो पीछे बैठा है इसको काम देता हूँ मैंने कहा इधर आओ तो जाओ मेरे ऊपर से डायलॉग फाइल लेकर आओ तो ये दौड़े दौड़े गए इनको बड़ी खुशी हुई कि मुझे किसी ने काम दिया है <laughs> और उसके बाद मैंने चार फिल्में इनके साथ हैं फिर जब इन्होंने मुझे ये फिल्म टू स्पेसिफिकली आंसर आई कैन डू अ होल डे स्पीच ऑन राजश्री प्रोडक्शन एंड वॉट इज माई एसोसिएशन बिकॉज नॉट मैनी पीपल नो एंड बिकॉज नॉट मैनी पीपल फ्रॉम द राजश्री प्रोडक्शन वॉन्ट टू टेल द वर्ल्ड वॉट आर देयर अचीवमेंट्स उन्होंने क्या क्या किया है क्या, क्या क्या उनकी उपलब्धियाँ हैं सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि देश में जिस दिन 15 अगस्त उन्नीस को देश आज़ाद हुआ था उन्होंने कैसे ताराचंद जी ने सोच लिया कि उस दिन अपनी कंपनी हमें लॉन्च करनी है ये बहुत बड़ी बात है तो आ, ये पहली बात तो आप पूरी जगह मैं अपने मीडिया के दोस्तों से कहूँगा ये फैलाइए कि पचहत्तर साल में एक दृष्टिकोण से लेकर फिल्म बनाना आज की दुनिया में और आ, ऐसी कामयाबी के साथ उससे ये महसूस होता है कि जो वैल्यूज़ हैं लाइफ की वो कभी ख़त्म नहीं होती कितनी भी तरक्की कर लें हम कितनी भी आगे जाती हैं और एज़ यू सेड थैंक यू टू दैम जब सूरज जी ने मुझे आ, मैं जी मैं बोलता नहीं सूरज ने मुझे जब आ, कहानी सुनाई तो मैंने कहा कि फैंटेस्टिक आफ्टर लॉन्ग टाइम आई विल गेट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बी वर्किंग विद बच्चन साहब और फिर मैंने कहा कौन कौन और हैं कहते वो आ, आप और एक बमन के लिए बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट रोल पर बमन की कुछ डेट्स का प्रॉब्लम चल रहा है <laughs> तो मैंने बमन जी के तीन चार मन में तीन चार चप चपेड़े मारी <laughs> मैंने कैसे कैसे हो सकता है तो उन्होंने कहा नहीं वो अप, उनकी कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जेनुन प्रॉब्लम्स हैं और पर तो मैं जैसी गाड़ी में बैठा मैंने बमन को फ़ोन लगाया और मैंने बहुत ही अच्छे शब्दों में उन शब्दों का मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता हूँ मैंने कहा तुम कैसी बातें कर रहे हो यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री और ये मैं Uh, ऐसे नहीं बोलता मैं uh, मैंने कहा मेरे बारे में मैंने कहा तुम यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म दिस इज़ हिज विश एंड यू आर पार्ट ऑफ हिज विश एंड यू हैव टू डू दैट फिल्म और पंद्रह मिनट के बाद अब बमन की मुझे जो रेस्टलेसनेस सुनाई दी कि ये फ़ोन रखे तो मैं सूरज को फ़ोन करूँ <laughs> तो जैसे ही मैंने फ़ोन रखा और इन्होंने सूरज को फ़ोन किया ना आई एम वेरी प्राउड एंड फॉर्चुनेट जो इनके साथ मुझे एक्सपीरियंस मिला बमन के साथ और स अमित जी मेरे से गुस्सा हो जाते हैं मैं उनकी ज़्यादा तारीफ करता हूँ बट अमित जी इट्स इट्स एन ऑनर टू बी स्टैंडिंग शेयरिंग फ्रॉम आखिरी रास्ता टिल टुडे टू बी शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद यू देर इज सो मच टू लर्न फ्राम यू बट राजश्री हैज़ बिन होम और जब भी मुझे थोड़ा सा आ, मन उदास होता है या मैं अपने आप को प्योरिटी के दौर से गुजारना चाहता हूँ मैं वर्ली में राष्ट्रीय ऑफिस चला जाता हूँ ऐसा लगता है मंदिर में चला गया और सब अच्छा महसूस हुआ सो मच बच्चन साहब से वापस पूछूंगा सवाल लेकिन उससे पहले बमन सर इफ यू यू नो दैट यू हैव दिस डेप्थ नॉलेज ऑफ फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्टिंग वट मेड यू चूज ऊंचाई सर थ्री डायलॉग्स जो मैं यहाँ बता नहीं सकता आपको I wish, I wish मैं आपको बोल सकता कि मेरा पहला सेंटेंस yeah. क्या था बमन yeah. को पर आपने सबने इमेजिन कर लिया है और और फैक्ट ये है कि ही इज राइट एंड देर टू थ्री थिंग्स दैट कम आउट ऑफ दिस पहली बात तो ये कि द मोमेंट ही सेड पहले तो गाली सुनाई प्यार से डायलॉग गाली गाली थी ना और क्या था मेजर गाली, गाली, गाली थी तो जो राजश्री फिल्म में सुनाई नहीं देते Or uh, I actually, that phone call did not last 15 minutes; it lasted tw 20 seconds. Okay. Well, the phone Can you increase it. the volume? Haji? Their volume. Their volume. Haan. <laughs> Haan. Hmm. So I called up Surajji and then I called him back. That conversation lasted. But what is important in all of this is, I was going through a very bad phase. I was going through a very bad phase. I was going through a time where I lost a lot of people. I was not in the right frame of mind. My mother was not well and all that. And he said, This is going to be, uh, what was the thing you said? It is going to be the, the, the greatest history. I said, It, it is spiritual history. Because the, the experience I've had working with this man and the energy that he emanates from, from every word he says, how he says it, how he means it, the truthfulness with which he says it, you just stand next to him, you feel you're a better human being just wow. by being in his presence. <laughs> right. And I'm I'm not saying this. People have said some wonderful things. Every morning we come to the van and we chat. And I say to myself, and I thank you, thank you, Mr. K for abusing. You can abuse ten times more. You're a friend. Bolo, I my stupid But the fact is that only a

और ये इच्छा इच्छा। ज़रूर पूरी करना that's, मेरा की और मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि मुझे लग रहा था किसपीरियंस से एक्सपीरियंस से आप गुजरोगे ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला है बिल्कुल। ट्रेलर लाइक टू लिटिल स्कूल चिल्ड्रन सिटिंग ओवर देयर

a friend should never be in need i just believe and uh, if there is ever a occasion when there is need uh, i would like to step up and do the best i can for him right so do you feel sir is it is it uh, true that abhishek bhai wanted you to do this film like he was after your life that you have to do muchai is what we've been told sir yes so how did that happen sir like

शूट एक्चुअली आई हैव टू से बहुत साल पहले मैं सर को स्क्रिप्ट सुनाने गया था मैं प्रेम की दीवानी हूँ right. तो मुझे अभी भी याद है सर जो सुनते हैं ना hmm. सर यही है बट आई कैन से सर सुनते हैं अपअल अपलक मीन्स huh. ऐसे नजरें गार्ड कैन यू कैनोट फेस दैट गेज इज नॉट ईजी इट्स नॉट ईजी तो फिर जब ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी तो मैंने सर को मैसेज uh, किया तो सर ने मुझे अभी भी मुझे याद है से था चार बजे का टाइम दिया था जूम पे कोविड का टाइम तो दो एन्जाइटी मेडिसिन लेकर के मैं बैठा इट्स इट्स नॉट ईजी टू फेस सर बट देन ओवर द इयर्स ओवर द टाइम दैट वी स्पेंड ऑन दिस मूवी आई कैन से दैट सर इज द इजीएस्ट एक्टर टू वर्क विथ इज द इजिएस्ट एक्टर समटाइम्स आई टेल्स सर दैट हम लोग तो इतने जूनियर हैं हम अपने बोलते ये करना है मेरा फीलिंग ये है यू कैन सी थ्रू एवरी जूनियर बट येट वाई डू यू हियर सो मच बट दैट्स वाई सर एंड आई है सेट बट आई एंजॉयड मोर विथ हिम इन हिज वेनिटी वैन बिकॉज वेन यू मीड सर इन द वैनिटी वैन ही टेल्स यू अबाउट पोइट्री टेल्स यू अबाउट लाइफ ही टेल्स अबाउट फिल्म मेकिंग he teaches us बट ऑन सेट यी ओनली लेसन्स आई थिंक दैट इज द ग्रेटनेसर एंड विथ अनुपम सर ही इज़ बीन लाइक अ फादर फिगर आई अगेन आई एम जस्ट शेयरिंग मैं सर से मिलने जा रहा था जनक फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट सुनानी है फिर मैं नर्वस फिर मैंने अनुपम सर को फ़ोन किया तो अनुपम सर ने वहाँ से मुझे गणेश वंदना भेजी साथ में कि यस सुन के जाओ सो फॉर मी ही इज बीन लाइक अ फादर एंड वोमन सर हैज़ टोट मी अ व व वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग विच इज़ रियली लिव्ड मी आई यू रिमेंबर वोमन सर वोमन सर टोल मी दैट सुबह उठता हूँ तो मेरा कैरेक्टर मुझे बोलता है कि क्या करना चाहिए दैट हैज़ गिवन मी अ डिफरेंट लाइट बिकॉज आई हैव टूर गेट अप एंड आई हैव टू आज द कैरेक्टर एंड इट कोस करेक्ट राधा देन थिंकिंग दिस इज द कैमरा एंगल दिस सेल्स नथिंग मैटर्स सो थैंक यू वोमन सर थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग बैक यू नो टू राजिवार एक बार फिर से वापसी हो रही है इस फिल्म के साथ और बहुत बुखूबी सब कुछ काम किया है यहाँ क्या बोलना चाहेंगे इस जर्नी के ऊपर और कितनी चीजें बदल गई हैं तब जब शुरुआत की थी और आज uh, चीजें बहुत बदल गई हैं मगर मुझे लगता है राज नहीं बदली है इट स्टिल फैमिली mm -hmm. एक तरह से जो बोलते हैं ना घर वापसी है मेरी एंड इट्स 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 सो इंटरेस्टिंग दिस के सेवेंटी फिफ्थ ईयर है और अभी भी वो जनरेशन टू जनरेशन नई अब फिल्म दूसरे महीने शुरू हो रही है दिस इज दिस इज़ नॉट जस्ट समथिंग वी कैन टेक लाइटली दिस दिस इज़ नॉट यू नो बोलते हैं कहीं पर कोई mm -hmm. ऑफ़िस uh, है जो चल रहा है सेवेंटी फाइव ईयर से कभी कुछ कर दिया कुछ इट्स नॉट लाइक दैट अभी भी आप जाएंगे ऑफिस में वही ऑफिस है उतनी ही एक्टिविटी है उतना ही पैशन है दैट इज़ समथिंग अमेजिंग सो दैट इज़ ब्यूटिफुल एंड पर्सनली आई थिंक मुझे लगता है हमारे करियर में फिल्में कुछ अच्छी नहीं होती हैं कुछ अच्छी होती हैं लेकिन कोई कोई फिल्म ऐसी होती है जो एक ब्लेसिंग की तरह फील होती है और आप जब वो फिल्म शुरू करते हैं तो लगता नहीं है कि ये दिस विल टर्न इन टू दैट बट दिस फिल्म इज़ लाइक दैट फॉर मी बिकॉज टू बिगिन विद बहुत खुशी थी कि मैं राष्ट्रीय में वापस इतने सालों बाद आ रही हूँ yes. फिर काम शुरू हुआ सूरज जी से मुलाकात हुई एंड लेट मी जस्ट से दिस आप लोगों ने इतनी खूबसूरती से बुला आई कान्ट इम्प्रूव ऑन दैट बट टू नो सूरज जी और उनके साथ काम करना ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है अगर आप लोगों ने नहीं किया तो मुझे लगता है आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस है एंड uh, हर लेवल पे एज अ डायरेक्टर जैसे बमन जी ने कहा ये मेरी करियर में कभी नहीं हुआ कि हर रोज़ डायरेक्टर आके पाँच मिनट सुबह वैनिटी में यू you नो know, मुझे बताएं कि हम ये सीन करें जबकि मेरे पास स्क्रिप्ट है मैं रोज़ स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ वो फिर मैंने बहुत सोचा कि ऐसा क्यों करते हैं, you know, हम जब घर चले जाते हैं सब आ, अनुपम जी अनुपम जी बन जाते हैं नीना जी नीना जी, नीना जी बन जाती है बमन जी हो जाता है सारी का सारी कामोशनल कंटिन्यूटी जो वो हमारी फिर से पकड़ लेते हैं सुबह के कि अब आप माला हैं मैं आपसे एक बार फिर आपको ले आता हूं एंड दिस इज सो अमेजिंग एंड ऑन द सेट सूरज जी इज ब्रिलियंट एज ए डायरेक्टर दो तीन ऐसी जगहें थी जहां पर मुझे उनकी बहुत जरूरत थी उनके सपोर्ट की एज ए डायरेक्टर उनमें कोई ईगो नहीं है उनका दिमाग ऐसा नहीं है लकीर वो थी ना पत्थर की लकीर उन्होंने इतना मिलजुल के किया है यू you नो know, उस वक्त काम की अगर ऐसा उनका स्वभाव नहीं होता मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ सीन्स कर पाती जैसे मैंने किए हैं एंड yeah. उसके लिए थैंक यू वेरी मच सूरज जी बिकॉज विदाउट अ डायरेक्टर आई थिंक एक्टर्स कैन रियली नॉट डू मच वी कैन नॉट राइज अबव अ बैड डायरेक्टर और अ बैड स्क्रिप्ट सो थैंक यू वेरी मच एंड नाउ सूरज जी एज अ पर्सन इज सो गुड वैन ही लाइक्स योर शॉर्ट हम सब ने देखा है करेक्ट yeah. और जब उनको लगता है एकदम एक बच्चे की जो खुशी होती है रियली really, आप अगर सेट पे होते तो आपको समझ आता मैं क्या बोलती हूँ बहुत खुश हो जाते हैं अफकोर्स आप लोगों ने वो वीडियो भी बनाया था उनका याद है सो आई थिंक फॉर मी दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग जो कैरेक्टर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है सो so, हर चीज़ का जगह पे बैठना जो था एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से वन मोर थिंग बिकॉज आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया टुडे आई वॉन्ट टू यूज दिस एंड थैंकू अनुपम जी थैंकू बमन जी थैंक यू नीना जी एंड किरण जी से भी थैंक यू कहिएगा फॉर द पोस्टर रिलीज मैं हूँ नहीं सोशल मीडिया में आई कान गिव बैक दैट लव बट यू नो दैट सर थैंक यू वेरी मच एंड इतने अच्छे आर्टिस्ट मतलब यू नो बच्चन सर के साथ मैंने पहले भी काम किया है लेकिन हर बार जब मैं काम करती हूँ मुझे लगता है कि वो वो रिस्पेक्ट और एडमिरेशन शायद छोटा वर्ड है रिस्पेक्ट का ही थोड़ा सा ज़्यादा अगर कर दें इट्स अनबिलीवेबल एक्चुअली यू कैन जस्ट वॉच हिम ऑन द सेट एंड इट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड अनुपम जी बमन जी नीना जी दे आर सो वंडरफुल एज एक्टर्स वी ऑल नो द टैलेंट वी ऑल नो हाउ वंडरफुल दे आर दे कैन Only take the script two notches higher. So this has been putting all this together. Such a blessing to be in this. And this is just as an actor. And I, I, I'm very happy when I do a good film. And I'm very, very happy. So thank you very much. <laughs> thank you so much, ma'am, for sharing all that with us. And what we are witnessing here is unbelievable because emotions ke itna utar hai yahan par. Nina ma'am would like to ask you. कि वो जो केमिस्ट्री दिख रही है बमन सर के साथ या पूरी टीम के साथ दैट्स दैट्स अनबिलीवेबल क्या बोलना चाहेंगे और यू you नो know, ऐसे इवेंट्स पे जिस तरह से यहाँ इमोशनल हो रखे हैं हम सब और अभी जब हमने वो ट्रेलर देखा इस जर्नी को कैसे समप करेंगे आप आज जो राजश्री परिवार के लोग यहाँ आए थे हमसे पहले और जो प्रोड्यूसर्स भी साथ में आए थे और जो बातचीत हुई मैं तो आंख में आंसू आ गए तो आज का दिन इस वक्त जो मैं यहाँ हूँ मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कहना चाहती जो भी कहूंगी छोटे मुँह बड़ी बात होगी मैं सिर्फ सुनना चाहूंगी थैंक यू थैंक यू सो मच मैम कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह दिया आपने यहाँ पे आई नो आप लोगों के बड़े सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे लेकिन वन लास्ट क्वेश्चन टू मिस्टर अमिताभ बच्चन सर एक आखिरी चीज सूरत सर ने आपके बारे में इतना सब कुछ बताया हमें शुरुआती जीवन में बहुत पहले कुछ फिल्मों में उनके साथ काम किया था और केवल मैं ही नहीं मेरे परिवार के दो और सदस्य जिन्होंने राजश्री के साथ काम किया है जया ने काम किया है अभिषेक ने काम किया है और उन सबसे जिस दिन भी मैं काम करता था ऊंचाई पे तो रोज जब शाम को आते थे तो आ, बस बधाई के पुल और तारीफों के पुल जो है वो बांधते थे राशि के बारे में रांची प्रोडक्शंस के बारे में और जब मैं वापस काम पे जाता था तो मैं समझ जाता था कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सूरज जी ने चुना आ, मुझे इस फिल्म में काम करने के लिए अवसर दिया कि इतने बड़े दिग्गजों के साथ मुझे खड़ा कर दिया है और आ, मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे अवसर जो है हमारी उम्र में आकर के बहुत कम मिलते हैं लेकिन मिल रहे हैं तो प्रोडक्शंस को मैं धन्यवाद दूंगा और हमारे साथ कि उन्होंने हमारा साथ दिया बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का धन्यवाद आपको सर हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड मुझे पता है आपको जाना है लेकिन उससे पहले सर एक फोटो आप ऐसा वर्चुअली कर ही लेते हैं मुझे लगता है है ना सर के साथ भी जी होता है ऐसे कैसे जाने देंगे ना तो मैं भी खड़ा हो जाऊं क्या <laughs> नहीं नहीं सर <laughs> Now that's a million dollar picture, ladies and gentlemen. Smiles हमने बड़ी देखी हैं। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सर फॉर बींग बेदास जी जी बिल्कुल आधुनिकता right, so यहां पर अब मैं आप लोगों के सवाल लेने वाला हूँ। कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं okay. जी uh, यहाँ से सर मैं आ रहा हूँ आपके पास भी Can we hand over the mic? Thank you so much sir for being here with us. एक बार जोरदार तालियां हो जाए अमिताभ बच्चन साहब के लिए ऑफ कोर्स थैंक यू वेरी मच जी हेलो हेलो सॉरी टेस्टिंग माइक टेस्टिंग चेक चेक ऑडियो चेक ऑडियो चेक चेक वन टू सर योKilling it सर सर आज <laughs> क्या खा के आए आप <laughs> पराठे खाया हूं <laughs> अच्छा लगता है अच्छा सूरज सर आपसे सवाल है एक वक्त था सिनेमा में 50 साल के बाद आर्टिस्ट लगभग रिटायर्ड हो जाता था उनको बड़ी मुश्किल से बाप दादा चाचा का रोल मिलता था बच्चन साहब एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने ये पूरा सिनारियो ही बदल डाला अब भी फिल्म बनती है तो उनको सेंटर कैरेक्टर में ध्यान में रखकर फिल्में बनती हैं क्या टिक है इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है सर सर ये तो उनके आप कितना भी पढ़ लें बट उनके साथ काम कर कर ही पता चलता है कि क्यों वो ऐसे हैं और आ, क्यों जो आप कह रहे हैं वो एकदम सत्य है बिकॉज आज भी पूरा डायलॉग रट के आते हैं कंप्लीट दो दो पेज का डायलॉग एंड uh, एक एक डांस मोमेंट कभी कभी मुझे बोले हैं वो शोल्डर दुख रहा है ये बट फिर भी प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस और एनर्जी uh, जो सेट पे कंसंट्रेशन वो हर डायरेक्टर को फोर्स करता है कि उनको इक्वल कर सकें सो आई थिंक वन ऑफ काइंड जो एक वर्ड है जो हम लोग कई बार यूज़ करते चलेगा ये शॉर्ट चल जाएगा ये ड्रेस चल जाएगी बट वो चलेगा कभी यूज़ करते नहीं वो uh, सूरज जी मैं खड़े होकर आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतनी अच्छी इतनी डिफरेंट फिल्म आप लेकर आए हैं सबसे पहले तो उसके लिए बधाई आप ही के जो प्रोडक्शन हाउस की एक फिल्म आई थी दोस्ती शायद हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था उस उस जमाने की फिल्म है और उस फिल्म को बहुत सराहा गया था लेकिन आपने दोस्ती को जिस ऊंचाइयों तक इस फिल्म में पहुंचाया है उसमें देख रहे हैं कि इन लोगों के साथ जो शूटिंग है उसमें आपको डिफिकल्टी ज़रूर आई होगी लेकिन स्क्रिप्ट लेवल पर कितना चैलेंजिंग था पूरी फिल्म को उस सांचे में ढालना आई थिंक डायरेक्टर uh, के लिए ना वो जब जो उपज है जो सॉइल है वो एक जब जहाँ उस पर छीटे पड़ने लगते हैं ना फिर डिफ़िकल्टी रहती नहीं है तो कोविड में अभिषेक यहाँ है मेरे साथ मेरे को राइटर तो तीन चार महीने में हमने लिख दिए बट लिखते समय ना सबसे बड़ा मेरे पास स्ट्रेंथ ये थी कि मैं बंधना नहीं चाहता था इस बार नहीं तो हर बार आई बीन अनफॉर्चुनेट कि मेरी पहली पिक्चर सक्सेस रही तो इतना बड़ा गाना चाहिए इतना बड़ा सेट चाहिए इतने डांसर्स चाहिए कोमल जी यहाँ बैठे इतना फर्स्ट डे चाहिए मैं इस बार मैंने उस सूरत में ये फिल्म बनाई कोविड है सब लोग बोल रहे हैं कि बिज़नेस नहीं अच्छा नहीं मैंने कहा जब अच्छा नहीं है तो वो कर लो जो अच्छ जो मन करता है तो बहुत आसान से स्क्रिप्ट हमने लिखी और लिखता गया ये नहीं सोचा कि, कि कितना करेगा कितना बिज़नेस होगी बस जो मन में है वो बना दिया इस बार हेलो यू नो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन बट जस्ट एन ऑब्जर्वेशन ट्रेलर देख के स्क्रिप्ट वगैरह की आइडिया आ जाती है लेकिन द अंडरलाइन थिंग दैट केम अक्रॉस थ्रू योर ट्रेलर इज कन्वेक्शन एप्सल्यूट द हाइएस्ट लेवल ऑफ कन्विक्शन में कहूँगा इनफैक्ट आई जस्ट ट्वीट कन्विक्शन गेट्स रीडिफाइंड विद ऐसे स्टारकास्ट के साथ इस प्रकार की मेकिंग आई थिंक है क्वेश्चन इज एवरी आर्टिस्ट मस्ट बिन कन्विंस्ड आपके कन्विक्शन से सबसे मुश्किल किसको कन्विंस करना था आपके लिए उस, उस कन्विक्शन जो आप में था और आपके राइटर अभिषेक जी में था उस लेवल का कन्विक्शन uh, हासिल करना या टेक टूगेदर विद यू वो किसमें सबसे डिफिकल्टी आई आई नहीं होगी लेकिन दैट वन परसेंट मोर देन द कोमल <laughs> 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 तो जी कन्विक्शन uh, कभी ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वॉज एवरी वन बिलीव्ड इन मी सो देन आई वर्क हार्डर मेरे ताऊ जी यहाँ बैठे फ्रॉम डे वन मैंने जब सुना है कि ऐसे मैं एल्डर्स के साथ पिक्चर बनाना चाहता हूँ ये कहानी तो उन्होंने इमिजिएटली कहा कि बनाओ जो बनाना है देर इज़ नो हिररोइन देर इज़ नो शिफोन साड़ी देर आर नो सॉन्ग्स ईर्षा जी बैठे उन्होंने मेरे प्रेम रतन कोई मैंने उनको बोला गाना मैंने कहा ईर्षा जी कोई गाना ही नहीं है रोमांटिक गाना ही नहीं है क्या करें तो उन्होंने कहा ये रोमांस अलग किस्म का है yeah. ये पहाड़ों का रोमांस है yeah. ये नेचर yeah. का रोमांस है तुम्हारा yeah. तो कन्विक्शन तब नहीं हो बट अब जब पिक्चर कंप्लीट हो गई ना कोमल जी जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो फिर अब डर लगता है कि पसंद आएगा कोमल जी सबको कि नहीं बट आई थिंक दैट इज़ एज पार्ट ऑफ एवरी फिल्म मेकर जर्नी अनुपम सर मेरा आपसे सवाल है ये पोस्टर हम साथ साथ का पोस्टर से थोड़ा रिलेट हो रहा है तो उसकी क्या याद है और क्या बताना चाहेंगे मेरी यादाश्त उस मामले में कमजोर है क्योंकि मैं उस फिल्म में नहीं था मेरे लिए तो पहला पोस्टर है थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन आई थिंक मैं वो सिमिलैरिटी नहीं देखता सिमिलरिटी अच्छाई की है उनकी जो हर फिल्म में उनकी झलकती है सिमिलैरिटी गुडनेस की है सिमिलरिटी फैमिली की है मोहब्बत की है मोहब्बत की ऊंचाइयों को छूने की है मगर इस फिल्म का एक्सपीरियंस जो है पहला महीना जो हमने आ, नेपाल में और उन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम उस पूरी जगह गए हैं जहाँ पर जो आपको फिल्म में नज़र आ रही है तो ऐसा नहीं है कि हमने सारे पोर्शन जो हैं वो ग्रीन स्क्रीन के अगेंस्ट किए मैं अमित जी तबीयत की वजह से मगर मैं और बमन और हमारे सौ लोगों की टीम आ, हम सब लोग गए थे वहाँ पर और वहाँ पर भी जाने का एक अलग ही एक एक्सपीरियंस था हमारा क्योंकि वहाँ ऐसे कोई फाइव स्टार होटल्स नहीं थे कोई ऐसी इंतज़ाम नहीं थे मैं आई एम पेट्रीफाइड ऑफ फ्लाइंग मैंने राइफ़ में कभी डेढ़ डेढ़ घंटे का हेलीकॉप्टर फ़्लाइट की ही नहीं है कन्विक्शन की बात कर रहे हैं ना ये मेरी है जी मैंने सूरज जी के लिए डेढ़ घंटा हिमालय में हेलीकॉप्टर से मैं जो मैं मुझे परसों अगर फ्लाइट लेनी होती मुझे आज घबराहट शुरू हो जाती है और सूरज जी ने पायलट को समझा के रखा था यू नो काइंड ऑफ कंसर्न दैट ही तो पायलट ने मुझे बैठा के चाय पिलाई और बोला कुछ नहीं होता है ऐसा होता है एक घंटा क्यों जहाज क्यों नहीं चला रहा <laughs> बाद में पता लगा सूरज जी ने बोल दिया था कि इनको नर्वसनेस होती है दैट होल वी वर स्मॉल लिटिल होटल द फ्रेंडशिप दैट आई सो होटल था नहीं था <laughs> मतलब ऐसा था कि मैं वहां पर ठंडा पानी आता था गर्म पानी नहीं आता था uh, सड़कें नहीं थी तो मतलब पैदल जाना पड़ता था सो दैट दैट इज द कन्विक्शन दैट इट हैपन मतलब एक बार तो मैंने टावल पानी ठंडा आया मैंने टावल मंगवाया तो मुझे नहीं पता उस टावल का रंग नीला था जब मैंने नहा के बाहर आया पूजा करने के लिए मैंने शीशे में देखा मेरा पूरा चेहरा नीला था पूरा शरीर नीला था तो आई थिंक द फ्रेंडशिप दैट ऑल्सो ग्रू बिटवीन मी एंड बमन ड्यूरिंग द फिल्म द शूटिंग ऑफ दिस फिल्म इज वी थॉट वी वर वेरी फ्रेंड बट नाउ वी वेंट हैिंग योर क्वेश्चन आई एम जस्ट सेंग देइ मेक्स यू बिलीव इन गुडनेस मेक्स यू बिलीव इन का बड़ा कॉम्प्लीमेंट <laughs> <laughs> और कोई किसी को आजकल के दौर में कौन दे सकता है अनुपम सर योर योर लेफ्ट हाँ जी हाँ योर लेफ्ट राहुलर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा सबसे पहले तो पूरी टीम को दोस्ती की ऊंचाई के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरा कॉमन क्वेश्चन है सारे स्टार कास्ट से नीना मैम से सारिका मैम से बोमन सर से सर इस फिल्म में बहुत कुछ आपने रिलेट किया होगा खुद से कोई ऐसा मोमेंट कोई ऐसा पल था जो आपने पहली बार किया और रियल लाइफ में वो मोमेंट आप लाना चाहते हैं सब अपने अपने, अपने शेयर करें उससे पहले मैं आप मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा ताली मार के दिखा बिकॉज दैट इज वेरी important बिकॉज यू आर द पीपल हु विल टेक इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम कितनी अपनी मेहनत की बात कर लें हम कितनी ऊंचाइयों की बात कर लें कितने पहाड़ों की बात कर लें लेकिन आप लोग जो हैं आज इस ट्रेलर को दुनिया तक ले जाएंगे हम फॉरेन सॉरी मैं बाकी लोगों के बिहाफ़ पर बोल रहा हूँ oh, हम फॉरन कंट्री जाते हैं और कहते हैं कि हम इटालियन खाना खा रहे हैं कहते हैं नहीं यार वो हिंदुस्ानी खाना खाना का दिल कर रहा है उसके बगैर मज़ा नहीं आएगा तो सूरज की और राजश्री फिल्म की फिल्म का दिल करता सवाल था भूलिए सवाल ये था सर ये फिल्म में ये आपने ट्रेलर में दिखा सर बहुत सारे पल ऐसे होंगे कॉमन क्वेश्चन है आप सभी स्टारकास्ट चले बहुत ऐसा पल मोमेंट्स होंगे जहां कुछ आपने खुद से रिलेट किया होगा रियल लाइफ से कोई ऐसा पल जो आपने पहले रिलेट नहीं किया कभी और वो दोबारा रियल लाइफ में उस मोमेंट्स को लाना चाहते हैं अपने आई थिंक वी हैव आई हैव नॉट क्राइड सो मच इन ऑफ द एवरीबॉडी एल्स वाज वेरी मोमेंट मैं 67 इयर्स का हूँ और मेरा ये मानना है कि ये कुछ भी नहीं है अभी तो मैंने जिंदगी की शुरुआत की है इस फिल्म ने मुझे उस विश्वास को और विश्वास से जीने का मौका दिया है कि 65 फाइव इज नथिंग हम अपने आप को और खासकर बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को बूढ़ा कर, करार दे देते हैं उनके लिए आसान होता है वो ब, बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को बोलते हैं अब आप साइड पे बैठ जाओ नहीं नहीं आपसे नहीं होगा अरे वो रिश्ते में आपके बाप हैं उनसे सब कुछ होगा तो ये मेरा जो बिलीफ है वो मेरा आ, इस पर आ, और यकीन कायम हो गया बमन सर आप कौन सा पल जीना चाहते हैं पहले तो आ, स्क्रीन पे रोना बहुत मुश्किल होता है एक्टिंग hmm. करते वक्त लेकिन इट वाज सो इजी टू गेट इमोशनल इन द मोमेंट्स इन दिस फिल्म देयर सो मच ट्रूथ इन द वे दिस जेंटलमैन वुड सेट अप द सीन सीन की एक्सप्लेनेशन जो है एक मूड एंड एनी टाइम वी टू डू अ रीटेक और समथिंग I would just wave out to him. He would come running. He would hug me. He'd kiss me. And he would and he would mention. We have a private line of what he'd say something to me. And the tears would come. Glycerine companies, I tell you, there's so much of truth in this film. And he brought that. He's the simplest human being I know, and he can sit and he's a he's a prince. But he, he talks to us like he's grateful to you for just being on his set. What kind of a man is he? You don't get emotional just thinking about it. So emotionally it was huge for me being with with these wonderful people, Bachan Saab. And I'm the youngest member of this family, actually. Sorry. I'm sorry. Yeah. And just just one last thing, Surajina, if you do a good shot or He, he like सूरज जी को जब शॉर्ट अच्छा लगता था बल्कि ये हो गया था वो आप भी उठे ना सूरज हाँ हाँ। जी को शॉर्ट अच्छा लगा One, two, three. और इसके बाद अगर शॉट सो so अच्छा मच सो so, कि जब ये ऐसा नहीं करते थे एक दिन अमित जी ने इनसे काम मगर आपने वो तो किया नहीं मेरे लिए <laughs> और अगर शॉट पसंद नहीं आया तो ये कहेंगे आउट ऑफ फोकस है एक और <laughs> नीना मैम आप भी बताइए सारिका मैम आप भी <laughs> क्या बताऊं क्या बताऊं यही चीज कांसेप्टल आपने खुद से रिलेट की और कांसेप्टल हाँ जीना चाहते मैं चाहती हां मैं बोल रही हूं मैं चाहती हूँ मैं बड़ी होके सूरज जी जैसी बनूँ हेलो <laughs> uh, सूरज no, uh, मुझे uh, मुझे लगता है जो चीज मुझे एकदम ठीक से समझ नहीं आया कि मैं क्या बताऊँ लेकिन आई थिंक वॉट यू ट्राइंग टू आस्क उस हिसाब से जो दोस्ती का जो एक है जो हम सब जानते हैं दोस्त हमारी जिंदगी में कितने uh, इम्पॉर्टेंट uh, होते हैं और uh, मैं बहुत वैल्यू करती हूँ मेरे लाइफ में जो फ्रेंड्स हैं मगर जब हम फिल्म कर रहे थे ऐसा कोई सरप्राइज नहीं था या कोई बहुत बड़ी ड्रामेटिक चीज़ नहीं थी बट द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फिल्म यू रियलाइज फ्रेंडशिप इज़ सो ब्यूटिफुल एंड यू हैव टू गो एंड क्रॉस ऑल लिमिट्स टू डू दैट आई थिंक दैट पार्ट ऑफ इट जो था वो बहुत मुझे दिल को लगा बट oh. मैं इसमें कहना चाहूँगा ये तो सबने बहुत तारीफ मैं इतना अच्छा हूँ नहीं बट मेरे लिए बहुत आसान होता है होती है ये सब एक्लॉट लेना बिकॉज ये डायरेक्ट कुछ करने की ज़रूरत है नहीं हम लोग एक दिन कैलकुलेट कर रहे थे नीना मैम ah. 350 हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस बी कैलकुलेटेड अमंगस्ट ऑल द कास्ट ऑफ दिस फिल्म और मेरा भी एड राइट फ्रॉम बच्चन सर का 53, 50, डैनी सर का 50, डायरेक्टर तारीफ ही लेगा और क्या करे करना तो कुछ और ऐसा नहीं सूरज सिर्फ मेन कास्ट को बताते थे पहाड़ पे एक लाइटमैन खड़ा है और वो कर रहा है ये जाएंगे बेटा कहा सीन ये चल रहा है कि इसमें यहां पर ये जो है पूरा, उसको पांच मिनट तक समझाएंगे वो कह रहा मैं लाइट देनी मुझे बट लेट्स जस्ट यू विल फील लाइफ यू फील है फिल्म ऑल अबाउट हर शख्स को सेट पे मैं चीज कहना चाहता हूँ वेरी गुड शॉर्ट शॉर्ट ओके शॉर्ट ओके अमित जी शॉट ओके वो मुझे शॉट ओके अनुपम शॉट ओके अच्छा फॉग दे रहा था फॉग मशीन वाला बेटा बहुत अच्छा फॉग दिया शॉट ओके देखिए वो तो काम है हंड्रेड परसेंट काम तो काम तो बोलता कि कहीं भी चढ़ना है मगर उसको चढ़ने में उतना मजा आएगा कि नहीं वो सोच सकता है किसी को बोला अरे यार पहाड़ पे चढ़ने को बोल रहा है बोल रही है जो भी है। मतलब बट इनके साथ सो so, work makes you go do lots of things so that we can't say that Yeah. but of course uh, for him it was always a joy it, to have a shower with the cold water in minus three it was a joy <laughs> to find out food and to play word building to play Damshrads, it was a joy to be able to stand on the same uh, set as mr Bachchan, it was a joy pariniti ji we must say things about her it was a joy to be working with her

एक मॉडर्न सेटिंग दी थी आपने फैमिली फिल्म थी लेकिन मॉडर्न सेटिंग दी थी आ, ये फिल्म जो है पारिवारिक उस तरह से नहीं है जिस तरह की फिल्में राशि बनाता आया है और जिस तरह से आप इतने सालों से मैंने प्यार किया से लेकर अब तक जितनी भी फिल्में बनाई हैं पारिवारिक फिल्में बनाई हैं मेरा सवाल ये था कि कितना टेम्पटिंग आपके लिए होता है कि पारिवारिक फिल्मों से हट भी आप दूसरी फिल्में दूसरे सब्जेक्ट पर फिल्में बनाएँ और उस टेम्पटेशन को आप अब तक क्यों रोकते आए हैं कि पारिवारिक फिल्मों से हटकर भी आप कुछ बनाएं उस टेम्टशन के बारे में बताइए या जो या आपको वो रिस्क लगता है कि पारिवारिक फिल्मों से हटकर फिल्में बनाना क्योंकि 35 सालों में आपने बहुत ही कम एक्सपेरिमेंट किए हैं एक फिल्म मेकर के तौर पर और ऊंचाई उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नज़र आ रहा है कि जब आप उसके बाहर आके सोचते हैं तो कुछ नया नजर आता है कुछ अलग भी नज़र आता है क्या कहना चाहेंगे इस बारे में सर एक्चुअली पहले तो निकल ही नहीं पाता मैं परिवार से कहीं ना कहीं ना मैं फंसे इसमें भी फंसा हूँ देखिए पोस्टर भी अभी मुझे पता चला रहे हम साथ साथ तो सीधा 99 में चला गया मैं तो ये भी पारिवारिक फिल्म ही है राष्ट्रीय फिल्म ही है सिर्फ इसके इसका जो सब्जेक्ट है वो एक अलग पहलू का परिवार है इस इसमें फ्रेंडशिप का परिवार है इसमें अपने आप चैलेंजेस का क्योंकि हर परिवार ज़रूरी नहीं कि जॉइंट फैमिली ही परिवार हो परिवार दूर रहकर भी परिवार के दिल दिल मिलने चाहिए और आ, एक इस फिल्म के थीम के बारे में बोलना चाहूँगा कि मेरे फादर के आ, के रूम में एक कैप्शन लगाते थे वो कि इफ आई कैन रन आई विल रन इफ आई कैन वॉक आई विल वॉक इफ आई कैन क्रॉल आई विल क्रॉल बट आई विल मूव फॉरवर्ड सो ये कैप्शन मेरे दिमाग से गया नहीं क्योंकि हम जैसे अनुपम सने कहा मैंने भी अपने फादर को कई बार बोला रहने दो तो आज मुझे लगता है कि किस बेसिस पे तो आज जब मैं 58 एट का हूँ तो मैं जब ये झलक देखता हूँ ये एज ग्रुप का तो मुझे इसमें अपना फ्यूचर नज़र आता है तो मैं चाहता हूँ मैंने तो इसलिए राष्ट्रीय फिल्म है हाँ मैं प्रेम की दीवानी हूँ ट्वेंटी टू में बनाई वो एक मेरी ऐसी फिल्म थी जो मैंने बहुत कुछ सीखा क्योंकि वो एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मैंने दूसरों से पूछा कि ये चलेगा या ये अच्छा लगेगा कि नहीं जो करेक्ट नहीं है फॉर अ डायरेक्टर आई मस्ट गो बट वॉट आई एम So, yeah. conviction so i think and at this stage of my life numbers don't appeal to me being first doesn't appeal to me i just want because it's so important that